मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में इस बार पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल को जगह नहीं दी गई। ऐसे में विशन सिंह चुफाल नाराज हैं और उन्होंने इशारों इशारों में पार्टी के कई नेताओं पर हमला भी किया। पिथौरागढ़ जिले की डीटी हाट विधानसभा सीट से लगातार छठी बार चुनाव जीतने वाले विशन सिंह चुफाल सीधे और सरल स्वभाव के नेताओं में जाने जाते हैं। विशन सिंह चुफाल को तीरथ सिंह रावत कैबिनेट और पिछली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कैबिनेट में चुफाल को जगह नहीं दी गई। इस मामले पर विशन सिंह चुफाल ने कहा कि वह सीधे सरल कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। पार्टी की सेवा में उन्होंने अपना घर बार तक नहीं देखा, लेकिन अब सीधे सरल लोगों का जमाना नहीं है, सेटिंग गेटिंग वाले लोगों का जमाना है। देखिए, एक तो पार्टी ने जो निर्णय लिया मंत्रिमंडल में, बिल्कुल मैं उसमें सहमत हूँ, उसमें मेरे को कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक क्षेत्र की जनता का उत्तर देना, मुझे जो एक जनता आई है मेरी, ये जनता के जो आंसू आए हैं इनके लिए मुझे उत्तर इसलिए जाने के लिए एक बार मैं जरूर अपने पार्टी के हाईकमान से लोगों से जरूर वार्ता करूँगा। चूँकि सर उम्र का हवाला दिया जा रहा है, सतपाल महाराज उम्र में तो उम्र में लागू होगा तो उन पर भी होना चाहिए, तब हम पर भी उम्र, हम तो एज ग्रुप दोनों एक बराबर हैं। एज का तो मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा तो आया नहीं एज में। तो आपको क्या लगता है कि आप क्योंकि जनता से सवाल करेगी? नहीं, जनता तो मैंने करूँ ना, इसलिए मैं हाईकमान से जरूर बात करूँगा एक बार कि जनता को मैंने उत्तर देना है अपनी जनता को कि जनता चाहती थी, जनता ने उसे उन्हें वोट दिया होगा, कि वोट कार्यकर्ता ने मांगा होगा, क्योंकि मुझे मंत्री पद मिला था, उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार आएगी तो मंत्री बनेगा करके, इसलिए कार्यकर्ता ने वोट, अब कार्यकर्ता ने जनता के बीच में उत्तर देना है, तो उत्तर जाके मैं जरूर हाईकमान से एक विषय में अपनी बात रखूँगा।